Hey guys, it's Blue Pirates here, और आज हम बात करेंगे फ्लैश में अपीयर होने वाले कुछ बेस्ट विलन्स के बारे में। सीजन 5 अभी कंप्लीट हुआ जिसमें बहुत सारे विलन्स अपीयर हुए थे। कुछ के पास मेटा पावर्स थी जबकि कुछ अपने दम पे टीम फ्लैश की बजाने में लगे थे। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं और स्पॉइलर्स के साथ शुरू करते हैं। नंबर 1 एबार्ड थॉर्न, एके रिवर्स फ्लैश। अब तक जितने भी विलन स्पीडस्टर फ्लैश में अपीयर हुए हैं उन सब में ये डेडलीस्ट विलन है। ये एक साइंटिस्ट है और फ्लैश के जैसे बनने के लिए ये पास्ट में आकर बैरी को मारने की ट्राई करता है पर बाद में वो खुद ट्रैप हो जाता है। रिवर्स फ्लैश सीजन 1 का विलन था और लेजेंड्स ऑफ द टुमारो की सीजन 2 में ये प्राइमरी विलन था और इसने अपनी खुद की टीम बनाई जिसका नाम था लीजियन ऑफ द डूम और इस टीम में मेलकम मर्लिन, डेमियन डार्क जैसे लीग ऑफ असैसिंस के मेंबर थे। आखिर में वो एग्जिस्टेंस से क्लियर हो गया। अब वापस ये जिंदा कैसे हुआ इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। इसका रियल फेस कुछ इस तरह का है पर हमेशा हमें ये हैरिसन वेल्स के फेस में ही दिखता है जिसका एक स्पेशल रीजन है। It's the face you were wearing when I became the Flash. I thought I'd put it on again. You know, for old time's sake. Plus, handsome. लास्ट में हमने इसे सीजन 5 में देखा था जहां इसने नोरा को मैनिपुलेट करके खुद को प्रिजन से रिलीज किया था। नंबर 2 हंटर जोलोमन, एके जूम। जूम भी ये पार्ट की तरह ही एक अच्छा स्पीडस्टर है पर उसकी स्पीड परमानेंट नहीं थी और इसीलिए उसे बैरी की स्पीड चाहिए थी। रिवर्स फ्लैश के पास जैसे नॉलेज है उसी तरह से इसके पास पॉलिटिक्स है। इसने बैरी के फादर को उसके सामने मार दिया था तो हाँ ये भी रिवर्स फ्लैश जैसा ही है। उसका प्लान मल्टी यूनिवर्स खत्म करना था पर फ्लैश ने उसे हरा दिया और टाइम रात उसे साथ ले गई जिसके बाद उसे एक न्यू जॉब मिली वो था टाइम डिस्ट्रक्ट करने वाले स्पीडस्टर्स को पकड़ना और ये लुक बहुत ही बढ़िया है। नंबर 3 सेविटा, बैरी ने अपनी हेल्प के लिए और जूम को डिफीट करने के लिए अपना एक टाइम रेमलेंट बनाया था जिसने मल्टी यूनिवर्स को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर लिया था और जब बैरी ने फ्लैश पॉइंट क्रिएट किया था तब वो वापस जिंदा हो गया। टाइम ट्रैवल करके उसने डिफरेंट टाइमलाइन में अपने बारे में मिथ्स फैलाना शुरू किया और एंड में वो गॉड डिक्लेयर हो गया जो काफी स्मार्ट मूव था। उसने आयरिश को मारने की ट्राई की पर वो फेल हो गया। उसने अपनी बॉडी को स्प्लिट करवा के एग्जिस्टेंस पॉइंट से बचने की ट्राई की पर फिर भी वो फेल हो गया और एंड में आयरिश ने उसे गोली मार दी। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, सेविटा का लुक बहुत ही अमेजिंग है और फ्लैश के साथ फर्स्ट एनकाउंटर में फ्लैश को सिर्फ उसकी शाइन दिखी थी तो आप इससे उसकी स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 4 क्लिफर्ड डिवो, एके द थिंकर। फ्लैश सीरीज का सबसे पहला नॉन स्पीडस्टर विलन क्लिफर्ड डिवो, इसने पार्टिकल एक्सेलरेटर एक्सप्लोजन के टाइम अपने लिए एक थिंकिंग कैप डेवलप की थी जिससे उसका माइंड कई गुना पावरफुल हो गया और आने वाली हर पॉसिबिलिटीज को वो देखने लगा, काइंड ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज। पर वो फ्यूचर देखता था और ये कैलकुलेट करता है। उसका प्लान था कि पूरे वर्ल्ड का IQ लो करके वो सब पे रूल कर सकता है और इसीलिए वो वेट करता है। लगभग 3 सीजन तक वेट करने के बाद वो अपने प्लान को एक्सिक्यूट करता है जब फ्लैश स्पीड फोर्स से बाहर आ रहा था। कई लोग डार्क मैटर से इफेक्ट होते हैं जिसे हम बस मेटा कहते हैं और डिवोम की पावर्स का एडवांटेज लेके फ्लैश से फाइट करने जाता है पर एंड में वो हार जाता है। देखा जाए तो इसे हार नहीं कह सकते क्योंकि उसने मरते मरते कई मेटा ह्यूमंस को क्रिएट किया जिसमें से एक था सकीटा और उसी के कारण रिवर्स फ्लैश प्रिजन से एस्केप कर पाया तो ये कम्प्लीटली विन विन स्ट्रेटेजी थी। नंबर 5 ऑर्लिन ड्वायर, एके सकीटा। सकीटा सीजन 5 का विलन है और कॉमिक्स की तरह यहाँ भी वो बहुत ही अमेजिंग है। इनलाइटमेंट के कारण उसे पावर्स मिली थी और ये डैगर जिसकी रेंज में आने वाले मेटा ह्यूमंस अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाते। वो अपनी सिस्टर का रिवेंज लेना चाहता है जिसकी डेथ एक मेटा एक्सीडेंट से हुई थी और इसीलिए वो सभी मेटा ह्यूमंस को मारने की ट्राई करता है। सकीटा का माइंड तो बैरी चेंज कर देता है पर उसकी नीस यानी कि ग्रेस गिबन्स नेक्स्ट सकीटा बनती है जिसे नोरा एके बैरीज डॉटर एके एक्सेस की हेल्प से हराया जाता है। तो यही है अब तक के फ्लैश के सीजन के सभी विलन। देखा जाए तो वेंडल सावेज, कैप्टन कोल्ड, गोरिला ग्रॉड और किंग शार्क भी एकदम औसम है पर वो लोग सेकेंडरी विलन्स हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा ब्लॉग चेक कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। फ्लैश के सीजन्स के हिंदी रिकेट देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और फ्लैश एरो लेजेंड्स ऑफ द टुमारो शैलॉक एजेंट्स ऑफ द शील्ड जैसी टीवी सीरीज के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। सी यू गाइस, कैच यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।